वक्त सुमित ज्यादा बातचीत के लिए भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, क्योंकि पूरा मामला बड़ा, सुप्रीम कोर्ट गया ये पूरा विवाद, एनटी की तरफ से इसमें जवाब दाखिल किया गया और आखिरकार क्या फैसला लिया गया कि 1563 छात्र इनके ग्रेस मार्क्स को कैंसिल किया जाएगा, क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर एनटी ने और क्या कुछ जवाब दिया जरा बताएं। देखिए प्रीति, तीन याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है और सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से बताया गया है कि 1563 बच्चों को, जिन बच्चों को ग्रेस मार्क दिया गया था उनको स्कोर कार्ड को हमने रद्द कर दिया है और इन छात्रों को दोबारा से परीक्षा हम आयोजित कराएंगे और इस पूरे मसले पर लेकर जो है हमने माना है कि ग्रेस मार्क गलत तरीके से दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस बयान को रिकॉर्ड किया है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में आज कहा है कि 23 जून को 1563 छात्रों का दोबारा परीक्षा कराया जाएगा, 30 जून को रिजल्ट आएगा, इसलिए 6 जुलाई से जो शुरू होने वाला जो काउंसलिंग है उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, ऐसे में काउंसलिंग पर रोक फिलहाल नहीं लगाई जाएगी। यानी कि जो छात्र मांग कर रहे थे कि काउंसलिंग पर रोक लगा दी जाए और नए सिरे से परीक्षा कंडक्ट कराया जाए, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक एनटीए और केंद्र सरकार का जवाब नहीं आ जाता है तब तक इस तरह का आदेश जो है वो फिलहाल नहीं दिया जा सकता है। तो एक बड़ी राहत कही जा सकती है उन तमाम छात्रों के लिए जो तीन मांगों में से एक मांग ये भी मांग कर रहे थे कि जो ग्रेस मार्क दिया गया है 1563 बच्चों का वो सही तरीके से नहीं दिया गया है और ये जो एनटीए का जो फैसला है वो गलत है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और एनटीए ने इस ग्रेस मार्क देने के अपने फैसले को वापस कर लिया है, विड्रॉ कर लिया है और इन तमाम छात्रों का जो रिपोर्ट मार्क्स था उसे रद्द करते हुए दोबारा परीक्षा कंडक्ट कराएगी, यानी कि 23 जून को परीक्षा होगी और 30 जून तक रिजल्ट भी आ जाएगा। तो सुमित, जो 1563 छात्र है उनके तो ये झटके भरी खबर ही है, लेकिन 2 विकल्प भी इन स्टूडेंट्स को दिए गए हैं। जी निश्चित तौर पर फिलहाल 1563 बच्चों के लिए ये नहीं कहा जा सकता है कि उनके लिए झटका है क्योंकि उन्हें गलत क्वेश्चन पेपर जो है वो मिले थे, इन आधार पर जो है एनटीए ने कंसीडर किया था। हालांकि उन्हें दोबारा एग्जाम देने का मौका मिलेगा तो एक तरह से उन्हें उनके लिए राहत है, लेकिन उन छात्रों के लिए एक बड़ी राहत है जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे और ये कह रहे थे कि ये जो ग्रेस मार्क दिया गया है एनटीए की ओर से वो गलत है। तीन मांग जो है वो खासकर तमाम छात्र उठा रहे हैं, उनका ये कहना है कि पहला तो ग्रेस मार्क को हटाया जाए, दूसरा ये कि 5 मई को जो नीट की परीक्षा हुई थी उस परीक्षा को रद्द किया जाए और दोबारा परीक्षा किया जाए और जो फिलहाल जो काउंसलिंग हो रही है उस पर भी रोक लगाई जाए। तो दो जो मांग है वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है क्योंकि अब केंद्र सरकार और एनटीए का जवाब 2 हफ्ते में आएगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जो रेगुलर बेंच है वो 8 जुलाई को इस मामले पर अगली सुनवाई करेगी। तो निश्चित तौर पर रेगुलर बेंच पास से जब ये मामला जाएगा, क्योंकि अभी फिलहाल वैकेशन बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है, जब रेगुलर बेंच के पास ये पूरा मामला जाए तो हो सकता है कि सीजीआई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ इस मामले को सुने, उसके बाद ही ये तय होगा कि क्या 5 मई को जो परीक्षा हुई थी देश भर में नीट की, क्या सचमुच में उसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी, क्या पेपर लीक हुआ था। ऐसे तमाम आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट अपना जो है एक फाइंडिंग देगा कि क्या दोबारा परीक्षा कराने की जरूरत है या नहीं। लेकिन फौरी तौर पर जरूर कहा जा सकता है कि तीन मांगों में से एक मांग को केंद्र सरकार ने मान लिया है। प्रीति जी और सुमित, साथ ही साथ देखिए, क्योंकि अगर जो ग्रेस मार्क्स उनको कैंसिल किया जाएगा फिर से इन तमाम स्टूडेंट्स को रीअपेयर होना होगा, हालांकि यह ऑप्शन उनके पास कि ग्रेस मार्क्स को हटा के भी वो आगे बढ़ सकते हैं यानी कि काउंसिल में जा सकते हैं और दूसरा ऑप्शन ये कि आप फिर से एग्जाम में रीअपेयर होइए, लेकिन इस पूरे मामले में क्योंकि अनियमितता तो हुई है और ऐसे में इस पूरे मामले पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से भी रिएक्शन सामने आया, उन्होंने कहा कि जो दोषी उनको बख्शा नहीं जाएगा। निश्चित तौर पर देखिए 6 जुलाई को जो है काउंसलिंग शुरू होनी है, उससे पहले 1563 बच्चों का एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि काउंसलिंग पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, ऐसे में हम काउंसलिंग पर रोक लगाने नहीं जा रहे हैं क्योंकि एक्स पार्टी ऑर्डर ऐसे बड़े मामले में कोर्ट नहीं करता है, क्योंकि यहाँ परीक्षा जो है उसे दोबारा कंडक्ट कराने की मांग है। तो ऐसे में जब तक एनटीए और केंद्र सरकार का पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट जान नहीं लेता है तब तक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई एक पक्षीय एक्स पार्टी ऑर्डर नहीं दे सकता।
सकता है। आज जिस तरह से केंद्र सरकार और एनडीए की ओर से जो सुप्रीम कोर्ट को बताया गया वो एक जवाब नहीं था। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी है कि हमने 1563 बच्चे का जो हमने दिया था ग्रेस मार्क, उस स्कोर कार्ड को हमने रद्द कर दिया है। तो इसका आप मतलब समझ सकती हैं कि कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। ग्रेस मार्क जो दिए गए थे उसे एनटीए ने माना है कि गलत तरीके से दिए थे, तभी उसे विड्रॉ किया गया है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या फाइंडिंग देता है, क्या सुप्रीम कोर्ट मानता है कि 5 मई को जो परीक्षा नीट की हुई थी उसमें पेपर लीक हुआ था, बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी। इन तमाम बातों का जो एक तरह से एग्जामिन है वो सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई में करेगा, क्योंकि तब तक केंद्र सरकार और एनटीए का जवाब भी सुप्रीम कोर्ट में आ जाएगा। उसके बाद तमाम जो छात्र, करीब दर्जनों याचिका सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी है, पेंडिंग है, उन तमाम याचिकाकर्ता का भी सुप्रीम कोर्ट पक्ष सुनेगा, उसके बाद एक आदेश देगा कि क्या दोबारा परीक्षा होगी या नहीं। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि पूरा जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है। सुप्रीम कोर्ट को ये तय करना है कि क्या दोबारा परीक्षा होगी या नहीं, इस पर अगली सुनवाई यानी कि 8 जुलाई को बहुत हद तक स्थिति साफ हो जाएगी। प्रीति जी, सुमित एक बात और बताइए, क्योंकि एनटीए को लेकर हमने बात की और एनटीए की तरफ से भी जवाब दिया सुप्रीम कोर्ट में। पहले जब पूरा मामला सामने आया, कुछ स्टूडेंट सामने आए थे, उस वक्त एनटीए की तरफ से कहा गया था कि ना ही पेपर लीक हुआ है और जो ग्रेस मार्किंग दी गई है वो भी गाइडलाइंस के तहत दी गई है। फिर उसके बाद एनटीए ने अपने ही अध्यक्ष को बैठा दिया था इस पूरे मामले में जांच करने के लिए। उस वक्त भी स्टूडेंट्स ने कहा कि आप तो अपने ही अध्यक्ष को बैठा रहे हैं, तो ऐसे में कैसे निष्पक्ष जांच होगी? तो क्या लगता है कि ये जो एनटीए की तरफ से जवाब दाखिल किया गया, ये कहा गया कि जो ग्रेस मार्किंग से ही कैंसिल होगी, क्या सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद या सुप्रीम कोर्ट जब ये पूरा मामला गया उसके बाद एनटीए की आंखें खुली हैं, जागा उसके बाद?